हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट न्यू करियर मोड के एक और नए एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड तक आप लोग देख चुके हो गाइस यहाँ पे कि टेस्ट नंबर 4 यहाँ पे डे 1 में ऑल आउट कर दिया था इंग्लैंड। उसके बाद भारत ने बैटिंग करी है तीन सेशन और उसके बाद 348 रन बनाए थे यहाँ पे भारत ने, जिससे कि भारत को लीड मिली है 151 रन की। तो यहाँ पे भारत की जो बैटिंग है वो ऑल आउट हो चुकी है एंड उसके बाद अब जो है सेकंड इनिंग के लिए बल्लेबाजी करने के लिए आ रही है यहाँ पे इंग्लैंड और यहाँ पे हो रहा है डे 2 का 3rd सेशन। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। चलिए और यहाँ पे भाई पहला ओवर डालेंगे यहाँ पे कप्तान, मतलब कि हम खुद पहला ओवर लेके आएंगे यहाँ पे, नई गेंद के साथ शुरुआत करेंगे इस इनिंग की और जो है इस सेशन की। चलिए गाइस थोड़ा सा स्टेमिना लो है बिकॉज हम लोगों ने लाइक लंबी बैटिंग करी थी, इसीलिए जो है हमारा थोड़ा सा स्टेमिना ज़्यादा सा लो है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे पहली गेंद इन स्विंगर रहेगी यहाँ पे और ये देखिए हल्का सा मूवमेंट इन स्विंग के अंदर की तरफ जाती हुई टॉम सुबले के लिए। यहाँ पे देखिए शेडो आ चुकी है बिकॉज यहाँ पे है 3rd सेशन डे 2 का। तो होपफुली ये लास्ट सेशन में जो है हम एक या दो विकेट ले पाए आज के दिन और बैकफुट पे जो है ढकेल पाए थोड़ा सा इंग्लैंड को, ताकि जो है हम जो है 250 से नीचे का मार्क चेस करें जाके फोर्थ या फिफ्थ डे में, लाइक डे 3 सेकंड सेशन या 3rd सेशन जब भी हमारी बैटिंग आए। मुझे लग रहा है डे 3 तक आ जानी चाहिए हमारी बैटिंग, अगर नहीं आती है तो मैक्स टू मैक्स डे 4 तक हमारी बैटिंग जो है आ जाएगी। चलिए यहाँ पे देखिए क्राउड एकदम खचाखच भरा हुआ, भारतीय समर्थक और इंग्लैंड के समर्थक खचाखच भरे हुए क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल मैच है। डे 2 चल रहा है और टेस्ट नंबर है 4, तो बहुत ही क्रूशियल डे है और क्रूशियल मैच है क्योंकि अगर यहाँ पे भारत जीतती है तो जो है सीरीज को नाम करेगी और अगर इंग्लैंड जीतती है तो सीरीज को बराबर करेगी और जो है लास्ट टेस्ट हो जाएगा यहाँ पे डिसाइडर। तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड एक्साइटेड है, इंग्लैंड का क्राउड, भारत का क्राउड। भारत का क्राउड चाहता है कि यहाँ पे भारत ये मैच जीत के टेस्ट श्रृंखला को, जो मतलब कि टेस्ट सीरीज है हमारी, उसको भारत के नाम करे। और इंग्लैंड का क्राउड होपफुल है, लाइक होपफुली चाहता है कि जो है इंग्लैंड यहाँ पे टेस्ट मैच को जीते ये फोर्थ वाला, ताकि जो है डिसाइडर फिफ्थ वाला टेस्ट मैच रहे तो सीरीज में इंग्लैंड बना रहे। देखते हैं किसकी प्रार्थनाएं काम करती हैं फिलहाल, भारत की या फिर इंग्लैंड की। और यहाँ पे आई थिंक सो पैर बाहर निकला है और उसी के साथ नो बॉल देंगे यहाँ पे अंपायर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेस के चक्कर में हल्का सा पैर लाइन से बाहर जाता हुआ यहाँ पे एक एक्स्ट्रास आ गया। फिलहाल खाता खुलता हुआ गाइस इंग्लैंड का एक्स्ट्रास के साथ, दो ओवर यहाँ पे डॉट निकाले थे मेडन ओवर और इस बार यहाँ पे पैरों पर गेंद फ्लिक कर दिया यहाँ पे डॉम सिबले ने फाइनल की तरफ, एक रन मिलेगा यहाँ पे। चलिए फाइनली खाता खुलता हुआ डॉम सिबले का, वो एक एक्स्ट्रा के साथ इंग्लैंड का खाता खुला और इस शॉट के साथ डॉम सिबले का खाता खुलता हुआ यहाँ पे। चलिए बेहतरीन गेंद यहाँ पे हॉन्ग करती हुई आउटसाइड ऑफ स्टंप, बेहतरीन स्विंग, वॉर्ड स्विंग, थोड़ा सा और किया अंदर से हम पैड पे मार सकते हैं हमीद के, क्योंकि हमीद है शायद जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल दिखे हैं यहाँ पे स्विंग के खिलाफ। डॉम सिबले उतना नहीं इस पूरी सीरीज में, लेकिन हमीद यहाँ पे अनकंफर्टेबल दिखे हैं अपने को, तो क्यों नहीं यहाँ पे टारगेट करा जाए हमीद को। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींचता हूँ मैं। ओ बेहतरीन यहाँ पे इन स्विंगर, वॉर डिलीवरी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो वाली इन स्विंग, एक आउट स्विंग डालता हूँ मैं इसको, लगातार जो है हम वेरिएशन डालते रहेंगे ताकि जो है इसको सेम लेंथ और सेम चैनल पर निकलेंगे। ओ यहाँ पे रन का चांस बन सकता था लेकिन थोड़ा स्लो किया वहाँ पे लॉन्ग ऑफ फील्डर ने, तो इसीलिए जो है वो सिंगल को पूरा करेंगे यहाँ पे हमीद और खाता खोलेंगे फिलहाल 10 गेंदों के बाद हमीद भी। तो दोनों ही बैट्समैन ने जो है खाता खोल लिया गाइस और यहाँ पे बेहतरीन गेंदबाजी फिलहाल भारत के 3 ओवर, लेकिन यहाँ पे संतुष्टि जो है भारत को ओवर्स डालने से नहीं मिलेगी, यहाँ पे विकेट्स लेने से मिलेगी। तो कोशिश हमारी यही है गाइस कि हम विकेट निकालें। और इस बार कदमों पर फिर से गेंद उसको फ्लिक कर दिया लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, गैप नहीं मिलेगा वहाँ पे। 143 का ट्रेल है अभी भी, आप गेंद देखिए एकदम नई नहीं है क्योंकि दूसरा साइड जो है अभी भी रफ है। होपफुली कल शायद या अपने को नई बॉल मिल जाए, देखते हैं क्योंकि हमने 90 ओवर नहीं डाले अभी तक, इसलिए शायद नई बॉल नहीं दी है वो और सॉलिड, इसलिए मैं बोलूँ यार ज़्यादा स्विंग नहीं मिल रही है अभी अपने को क्योंकि नई गेंद नहीं है वो, एक साइड से आप देखो रफ है बॉल, अभी पुरानी गेंद का इस्तेमाल किया जा रहा है।
क्योंकि पूरे 90 ओवर नहीं डाले गए थे आई थिंक सो 66 ओवर में उन्हें ऑल आउट कर दिया था शायद। लेट्स सी यहाँ पे कभी नई बॉल मिलती है अपने को 20 ओवर बाद या 30 ओवर के बाद। ऑल राइट यहाँ पे चौथी गेंद और ये रहेगी एक और आउट स्विंग का डिलीवरी, थोड़ा सा गति को पीछे खींचेंगे और इस बार सीधा रहेगी। यहाँ पे आउट स्विंग कराने का ट्राई करा था, स्लो करी थी वहाँ पे गति को ताकि वो एक्स्ट्रा स्विंग मिले, लेकिन आई थिंक सो मुझे जो है ऊपर रखना पड़ेगा थोड़ा सा लेंथ को अगर मैं एक्स्ट्रा स्विंग चाहता हूँ तो। लाइक दैट इस बार ड्राइव कराने का प्रयास, और वही चाहते हैं हम कि जो है बैट्समैन यहाँ पे ड्राइव करे ताकि जो बाहरी किनारा है वो मिल सके। यहाँ पे थोड़ा सा और मैं जो है गाइज लेंथ को पीछे खींचता हूँ, लेट्स सी क्या विकेट मिलेगा। 5 ओवर होने वाले भाई दबे, ओ नहीं इस बार फिर से वो ज़्यादा स्विंग नहीं मिली, लेकिन इस बार फिर से घुमा दिया बैट, फ्लिक कर दिया खिलाड़ी का इस्तेमाल लेग साइड की तरफ और बेहतरीन चौका मिलेगा यहाँ पे हामिद को। यहाँ पे स्विंग कराने का ट्राई था लेकिन स्विंग उतना मिला नहीं तो इसीलिए सीधा स्टंप के सामने उसको बेहतरीन तरीके से फ्लिक कर दिया। लाइक बैट्समैन को पता है कि बॉल जो है पुराना हो चुका है तो उतना ज़्यादा स्विंग अवेलेबल होगा नहीं, तो हम काम करते हैं गाइस कि कटर्स डालना चालू करते हैं, कटर्स पे तो मूवमेंट मिलेगा अपने को। यही चाहिए भाई, बहुत ज्यादा करीब से गया है यहाँ पे फील्डर के, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होता तो शायद जो है वो कवर ड्राइव कैच में जा सकती थी। यहाँ पे कवर ड्राइव मारी है, चौका मिलेगा अमित को। ये देखिए हल्का सा हवा में थी गेंद लेकिन वो थोड़ा सा दूर फील्डर से, इसलिए भाग्यशाली रहेंगे यहाँ पे हमिद। ओ यहाँ पे देखिए क्या है, बेहतरीन तरीके से मूव करा अंदर की तरफ, बेहतरीन गेंद और यहाँ पे कंफ्यूजन दुविधा में डालेगी ये वाली बॉल हमिद को। चलिए थोड़ा सा क्लोज लाते हैं इनके, बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद, इस बार रूम नहीं दिया है एकदम स्टंप के ऊपर और बढ़िया वहाँ पे स्टॉप लॉन्ग ऑफ के ऊपर। इजी बॉय मिलेगा यहाँ पे आई थिंक सो, जो है अपने को थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा गाइस, लेकिन आई थिंक सो मुझे विकेट लग रहा है कि आने वाला है बहुत जल्दी। 2.40 का रन रेट चल रहा है, उतना दिक्कत है नहीं मुझे, बस मुझे 250 के ऊपर लीड नहीं चाहिए। 150 की खैर हमारे लीड इनको टाइम लगेगा अभी लीड देने में, बट हम नहीं चाहते कि 250 के ऊपर हम चेस करें डे 4 या डे 5 में, इजिली क्लोज करना चाहते हैं इस बार टेस्ट मैच को। चलिए ओवर की समाप्ति यहाँ पे, 7 ओवर के बाद 16 रन एक बिना किसी नुकसान के इंग्लैंड, और जो है 9वां ओवर दोबारा से हम लेके आएंगे गाइस, और दोबारा से अब जो है हम लगातार वो कटर्स ही डालेंगे क्योंकि अच्छा खासा मूवमेंट मिल रहा है यहाँ पे कटर्स में अपने को। ये देखिए सीधा स्टंप पर सॉलिड डिफेंस, यहाँ पे टी से लेगा कुछ आदान प्रदान होता हुआ बातचीत हुई है यहाँ पे और पंप्ड अप करते हुए यहाँ पे विराट कोहली, हमेशा सपोर्ट करते हैं स्लैचिंग का और क्यों नहीं हम भी सपोर्ट करते हैं भाई। तो थोड़ा सा बहस हुई यहाँ पे हमारे और डॉन सिबले के बीच में, क्या यहाँ पे विकेट मिलेगी। ये लीजिए थोड़ा स्लैचिंग यहाँ पे चालू, क्या हुआ डॉन सिबले नहीं लग रही क्या ड्राइव में, हाँ इतनी स्लो डाल रहा हूँ मैं, तब बॉल तब भी नहीं दिख रही क्या तुमको। ओ व्हाट अ बॉल, बहुत ज्यादा क्लोज यहाँ पे स्टंप और पैड के पास, लेकिन वो थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करी इसीलिए जो है यहाँ पे अभी तक बने हुए क्रीज पर। ये देखिए क्या ही बेहतरीन गेंद, व्हाट अ बॉल, यहाँ पे लेग कटर गेंद देखिए घूमती हुई पड़ने के बाद क्या ही बाहर की तरफ निकली, यहाँ पे अंदरूनी किनारा लगता तो यहाँ पे कट बोल्ड हो सकते थे, कैच का चांस नहीं था, आई डोंट थिंक सो कैरी करती कैच तक, लेकिन वो अंदरूनी किनारा लग के स्टंप पे जाके लग सकती थी बॉल, बट भाग्यशाली यहाँ पे डॉन सिबले। ओ पैड पे लगी है लेकिन बैट पहले है, आई नो दैट, मैं जरा बिग आई में चेक करना चाहूंगा ये क्या क्या हमारी लाइन सही थी, वही मैं चेक करना चाहता हूँ अभी, इफ यस तो फिर हम यही चैनल पे टारगेट करेंगे लगातार इसी टप्पे पे डालेंगे गेंद को। आई थिंक सो मुझे लग रहा है कि सही टप्पे पे गिरी है गॉल, पिचिंग इन लाइन इम्पैक्ट आउटसाइड द लेग है यहाँ पे और विकेट्स भी मिसिंग, तो ये टप्पे पर नहीं डालना है, थोड़ा सा और नजदीक लाना है अपने को स्टंप के। लाइक दैट मच बेटर, इस बार बिगाई दिखता हूं मैं क्योंकि पैड पे मार रहा है अगर मुझे तो फिर वो सही टप्पा पकड़ना पड़ेगा अगर LBW या प्लम कराना चाहते हैं हम तो। नहीं ये भी नहीं है, ये भी इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ है,
नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा उसमें भी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है गाइस। यहाँ से जो है वो कटर डाल के सही पैड पे मारना। आई होप सो ये वाला सही टप्पा था, लेट मी चेक। जब तो सही टप्पा पटा नहीं चलेगा तो तब मैं देखता रहूँगा ये चीज़ें। ओके ये पिचिंग इन लाइन है, ये देखो ये भी मिसिंग भाई, कितना ज़्यादा मूव करी है। ओहो हो, दो विकेट यहाँ पे गिरा दिए भाई। तो जसप्रीत बुमराह ने 16 ओवर हो चुके हैं, दो विकेट यहाँ पे जस्सी बुमराह ने लिए हैं, तो चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आई थिंक सो हमीद जाते हुए एंड एक और कोई बैट्समैन गए हैं, लेट मी चेक कौन आउट हुआ है। सिख हैलिस और हसीब हमीद को जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड मार दिया भाई साहब, देख रहे हो दो विकेट बैक टू बैक जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह। यहाँ पे फिलहाल लेग साइड पर गेंद, खराब गेंद, वो दिशा से भटके और उसको फ्लिक कर दिया है और मिलेगा यहाँ पे चौका। थोड़ा सा दिशाहीन गेंद, टॉम सिबले को अगर आप डालेंगे तो वो जानते हैं वो गेंद को डोमिनेट करना और उसको फ्लिक करना और उस पर रन बनाना। तो यहाँ पे बेहतरीन चौका, 30 रन पहुँच चुके फिलहाल 55 गेंदों में टॉम सिबले। यार इनका विकेट लेना बहुत ज़रूरी है गाइज, अगर जो है हम थोड़ा सा बैकफुट पर ढकेलना चाहते हैं इंग्लैंड को, तो इनका विकेट लेना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। चलिए एक बाउंसर मारता हूँ इनको, ये लीजिए। क्या हुआ डॉम भाई, हवा नहीं लगी क्या इस बार? थोड़ा सा स्लैचिंग चलती हुई गाइस, इतना चलता है भाई, विकेट गिराना तो ये करना पड़ेगा। ये लो भाई साहब, लगातार दो गेंदें दिख नहीं रही है क्या, क्या फ़ायदा तुम्हारे सेट होने का? यहाँ पे दो गेंदें लगातार, हवा नहीं लगी है, डॉम सिबले को हेलमेट बचाते हुए झुकते हुए सम्मान में बॉल के। और इस बार हल्का सा लैकेट रह गेंद, फुल लेंथ और उसको सॉलिड डिफेंस करा यहाँ पे। वो जड़े मजबूत हैं इनके, जो बेसिक्स हैं बहुत तगड़े दिख रहे हैं डॉम सिबले, पूरी सीरीज में दिखे हैं कि क्यों इंग्लैंड इतना रिलाई करती है इनके ऊपर। चलिए यहाँ पे 56 रन, दो विकेट के नुकसान पर 17 ओवर के बाद इंग्लैंड गाइस, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। यहाँ पे फिलहाल ओवर डाल रहा रविचंद्रन अश्विन, इजी बॉय। एक आध दो बॉलिंग देखते हैं लाइक किस हिसाब की गेंदबाजी हो रही है रविचंद्रन अश्विन की। इजी मिलेगा, मिलेगा थोड़ा सा क्लोज, आ जाओ गाइस आ जाओ, मिलेगा, ये नहीं खेल पाएगा जो रूट भाई। लेकिन जो रूट ने बहुत मारा लिटरली एशेस में, और जो वही है लेकिन इस सीरीज में फॉर्म में नहीं दिख रहा है, दिख रहे हैं जो रूट यहाँ पे। तो होपफुली जो रूट से मुझे इतनी ज़्यादा डर नहीं है जितना ज़्यादा डर डॉम सिबले से है। यहाँ पे 60 गेंद खेल चुके भाई साहब, 30 रन पे यहाँ पे 50 के स्ट्राइक रेट से जो है यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, मात्र 93 रन का रह गया हमारा लीड बस। और बेहतरीन गेंद यहाँ पे, फिर से लैग कटर डिलीवरी और बाहर की तरफ हॉन्ग करा, तो मूव करा, तो थोड़ा सा मैं जो है लेंथ को और पीछे खींचता हूँ, लाइक वेरिएशन करते रहेंगे, यही हमारे पास ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं गाइस। इजी बॉय, सॉलिड डिफेंस इस बार डॉम सिबले का, थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी। विकेट मिलेगा, वो तो हम निकाल के रहेंगे गाइस, डोंट वरी। ओहो इस बार काफ़ी ज़्यादा क्लोज, पढ़ के अंदर की तरफ आई गेंद, बेहतरीन ऑफ कटर डिलीवरी। चलो थोड़ा सा और मैं अंदर की तरफ ही डालता हूँ, क्या पता स्टंप पे बूम। अरे ये बहुत बढ़िया हो सकता था विकेट, लाइक ऑलमोस्ट स्टंप पर थी ये वाली गेंद बाय द वे, लेट मी चेक। थोड़ा सा एज ही लगा है वहाँ, मतलब पूरा मिडिल नहीं करा है बॉल को, थोड़ा सा इधर उधर लगाया है बल्ले के, नहीं मिसिंग करती जाके। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा लेंथ बॉल में हल्का सा ऊपर करता हूँ लाइन को, लाइक दैट। बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे किसकी थी, आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़, बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे, चार रन बचाए वहाँ पे टीम के लिए। अरे भाई साहब 135 दो विकेट के नुकसान पर, यार ये तो सेट हो गया डॉम सिबले, मैं बोला था ऐसी का डर है मुझे। यहाँ पे डॉम सिबले आप देखो 84 रन पे सेट हो चुके हैं और जरूर भी सेट हो गए यहाँ पे 30 रन पर, दोनों ही सेट हो गए भाई साहब। यार कैसे विकेट निकाले, नई गेंद चाहिए मेरे को, मैंने पहले बोला था कि बैटिंग पैराडाइज है यहाँ पे, बस ये कि पुरानी गेंद नई गेंद के साथ यहाँ पे मदद है, पुरानी गेंद नहीं सॉरी नई गेंद के साथ मदद है यहाँ पे। और वही दिख रहा है फिलहाल अपने को, बट वही चीज़ है कि थोड़ा सा पैचेस और खुलेंगे, अभी डे टू चल रहा है ना, यहाँ पे कितना ही पैचेस खुल जाएंगे,
डे थ्री तक तो पैचेस खुलते नहीं है यार, तो डे थ्री तक मुझे नहीं लग रहा यार इनकी बैटिंग जाएगी, जा सकती है तो पता नहीं फिर फायदा नहीं, बहुत रन बन जाएंगे लाइक, पता नहीं यार फंस गए क्या हम उल्टा अपनी ट्रैप में, क्योंकि मुझे पता क्या लग रहा है अभी इंग्लैंड को फायदा हो गया जल्दी ऑल आउट 197 पे ऑल आउट होने का, क्योंकि पता उनको क्या हुआ डे टू के अंदर ही थर्ड सेशन में यहाँ पे बैटिंग आ गई उनकी और उनको एकदम बैटिंग पैराडाइज पिच मिल गई है और यहाँ से वो अच्छा खासा रन खींच सकते हैं और डे फोर तक पैचेस खुल जाएंगे और फिर जो है अपने को स्लो हो जाएगी पिच, वहाँ पे अपने को दिक्कत होगी बैटिंग करने में अगर डे फोर तक बैटिंग कर ली उन्होंने, तो नहीं करी तो फिर वेल इनफ हमारा जीतने का चांस बढ़िया है, लेकिन अगर डे फोर तक बैटिंग करेंगे ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए और क्या पता ड्रॉ के लिए भी जा सकते हैं, क्या पता तीन दिन बैटिंग कर जाएंगे लोग, तो भरोसा नहीं भाई ये डॉम सिबले का मुझे, भाई गिराओ यार विकेट गिराओ यार इसका कोई, चलिए यहाँ पे देख रहे हो 40 ओवर हो चुके 144 दो ही विकेट गिरे वो जसप्रीत बुमराह ने, उसके बाद नो विकेट, कोई विकेट नहीं आया भाई उसके बाद, चलिए कोई तो टैक्टिक्स थोड़ा बहुत अपनानी पड़ेगी अपने को, कुछ जुगाड़ वगैरह लगाना पड़ेगा गाइज, लेकिन विकेट चाहिए एनी हाउ, साम दाम दंड भेद कुछ भी चलेगा लेकिन यहाँ पर विकेट चाहिए मेरे को, क्रॉस सीम डिलीवरी डालते गाइज उसको तेज गति से, वो भी ये लीजिए थोड़ा सा यॉर्कर वगैरह भी डालते हैं बीच बीच में, स्लैजिंग करो कुछ भी करो बस विकेट चाहिए अभी मुझे, 144 दौड़ के नुकसान पर यहाँ पे फिलहाल, ओ पैड पर लगी है लेकिन फिर से बैट इन्वॉल्व है यहाँ पे, एक मिनट आई थिंक टप्पा एकदम सही था मेरा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, टप्पा एकदम परफेक्ट है, अगर मिस करते वहाँ पे तो सीधा प्लम्ब होते और LBW जाते वहाँ पे बाहर, इम्पैक्ट बैट हाँ वो उधर वो एकदम सही है परफेक्ट है, बस वही चीज़ है बैट बैट तो मिस करें एक बार, अरे भाई सॉलिड डिफेंस यहाँ पे एकदम जड़ में यॉर्कर, व्हाट अ डिलीवरी, लेकिन यार अच्छी डिलीवरी से काम नहीं चलेगा, मुझे विकेट्स चाहिए और फिलहाल वही मुश्किल हो रहा है यहाँ पे निकालना, 93 पहुँच चुके हैं डॉम सिबले और 7 रन मात्र दूर है फिलहाल अपने शतक से और 97 पहुँच चुके हैं अभी 3 रन मात्र दूर फिलहाल शतक से, आप बॉल की हालत देखिए चेंज कर लेनी चाहिए मुझे लग रहा है ऐसा गेंद, अब समय आ गया है वो अगर विकेट चाहिए तो कहीं देर ना हो जाए, फ्लिक कर दिया है इन स्विंग डिलीवरी इन स्विंग यॉर्कर और कोई दिक्कत नहीं हो रही, यहाँ पे एक रन का ट्रेल रह गया भाई साहब इन्होंने, मतलब जो हमारा ट्रेल था ना, ट्रेल बोल रहा हूँ मतलब लीड थी हमारी वो पूरी सरपास कर नालीफाई कर दी है, अरे क्यों यार ये यार कैसे हुआ, मतलब क्या था भाई व्हाट वाज दैट, ये यार मेरे साथ ही क्यों होता है लिटरली, व्हाई यार क्यों, थोड़ा सा भी धर धर नहीं हो सकती थी बॉल, मेरे साथ ही क्यों होता है यार, ये कितनी बेहतरीन मैंने आउटस्विंगिंग यॉर्कर डाली थी यहाँ पे, थोड़ा सा स्विंग कर जाती और बस बल्ले में ही लग जाती, बाहरी किनारे ले लेती तो वो स्टंप पे जाके टच हो जाती वहां पे यार, अब थोड़ी ना भाई वो बीट होगा हर बार थोड़ी ना होता है, अब देखो आराम से खेल लिया यार उसने, क्या बोलूंगा इसमें बहुत बुरा लगता है दिल से बुरा लगता है गाइस जब ऐसी बॉल डालो आप और आपको विकेट ना मिले, Waiting. क्या डिलीवरी थी यार वो, व्हाट वाज दैट, वो लेग स्टंप से स्विंग कराते हुए मिडिल स्टंप की तरफ ला रहे थे बट वो नई गेंद होती ना लिटरली गाइस बोल्ड था उसमें, वो मिडिल स्टंप पे आ जाती है स्विंग करके, दोनों साइड से घिसी हुई है गेंद, वो क्या स्विंग करेगी, बट तब भी यार अच्छा खासा मूव हो गई थी हवा में, ये देखो आप लिटरली अगर नई गेंद होती और यार मतलब मैं बोल रहा हूँ एक साइड भी लाइक साइन ही होती वहाँ पे तो भी काम हो जाता, पर दोनों साइड यहाँ पे रफ हो चुके हैं फिलहाल, कुछ है नहीं है वहाँ बॉल में, इस बार फिल्म फ्लिक कर दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर है नहीं गैप में डाला है उसको और मिल जाएगा आई थिंक चौका, चौका नहीं यहाँ पे, चलो तीन रन तो ले ही लेंगे डॉम सिबले क्या शतक पूरा करेंगे, ओ चार ले रहे भाई दबे मार 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 पंत भाई मार पहुंच गया, लेकिन
आदि तो जो रूट ने लिए हैं अभी भी इसको लेना बाकी है, अभी भी 97 पे ही है वो, अटका हुआ है 97 पे। नर्वस है क्या, मतलब वो लोस कर सकते क्या उसको, क्योंकि हो जाता है 97-98 पे पता चला बैट्समैन नर्वस हो गया और वहाँ बोल्ड मार दिया भाई, होता है गाइस। बट फिलहाल कोई नहीं यार, वो वाला विकेट मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से। ऑलराइट ये देखिए, ओहो हो हो क्या ही कोऑर्डिनेशन है यहाँ पे। चलो एक बाउंसर डालते हैं उसको जो रूट को, चलो फाइन लेग पे मार के दिखाओ जो रूट, अगर इतने बड़े बैट्समैन होना तुम ये। अरे भाई ये कैसे, अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ भाई, इतनी बुरा किस्मत कैसे हो सकती है हमारी, व्हाट वाज दैट। ये तो स्टंप पे लगनी चाहिए, अक्सर हम विकेट लेते हैं इस टाइप की। ये देखिए बेहतरीन शॉर्ट पिच डिलीवरी यहाँ पे, और अब अंदरूनी किनारा भी लगा, और यार वो निकल गई भाई विकेट के ऊपर से, क्या बोलूं यार गाइस मैं भी। विकेट चाहिए यार, 10 ओवर डाल चुका हूँ, 26 रन दिए मैंने अभी तक, लेकिन विकेट चाहिए मुझे। yep. अब देखो यार टॉप एज लगा है तो कीपर के ऊपर से निकली है, क्या हो रहा है यार। ये देखो इस बार कैच ही नहीं कर रहा है कीपर, पता नहीं कहाँ से निकली है, लेट मी सी। और भाई चौका और मिल गया इनको, ये देखो कीपर के सर के ऊपर से भाई, इनसाइड एज लगा है, टॉप एज भी नहीं लगा है। दिखाओ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ क्या करता, मतलब लिटरली यार कैसे कैसे पॉसिबल है ये। ये देखो गाइस मैं दिखाता हूँ आपको, अच्छा रुक जाओ रुक जाओ, टॉप एज ही लगा है। यस रुको मैं चेक करूँगा। ऑल राइट यहाँ पर टॉप एज ही लगा है बेसिकली, बच गए भाई साहब आप, किस्मत बहुत तगड़ी लिखा के आए हो लग रहा है ऐसा। जो रूट दो बार बचा है बंदा, एक और बाउंसर डालूं क्या गाइस, तेज गति से क्या बोलते हो, ये तो इस बार छोड़ ही देगा वो, ऑब्वियसली बात है। इस बार थोड़ा सा लेग साइड पर भी डाली थी मैंने, ताकि जो है क्या बोलते हैं वो अगर पुल मारना चाहे तो सीधा फाइनल लेग के हाथ में जाए, लेकिन मारी नहीं भाई ने। चलिए इस बार यहाँ पे लेग कटर, ऑफ कटर सॉरी, उसको आराम से जो है डिफेंस करेंगे और सर्वाइव कर जाएंगे। तो 99 पहुँच चुके फिलहाल। डोम सिबले हमारे सामने आओ यार, डोम सिबले क्या हो गया, हमको भी खेल लो थोड़ा सा, लेकिन खैर क्या ही होगा यार, विकेट तो मिल नहीं रही मुझे भी। बहुत ज़्यादा लेग स्टंप पर थी, ख़राब गेंद और आई थिंक सो चौका नहीं गया, अच्छी बात है, थोड़ा सा ऑफ साइड ही पकड़ के चलते हैं गाइस। बहुत ज़्यादा ही लेग स्टंप डाल रहा हूँ मैं मूव स्विंग कराने चक्कर में। ओ रे यार फिर से इनसाइड एज, और फिर से यहाँ पे बचेंगे, फिर से स्टंप में नहीं लगेगी गेंद। आई थिंक नई गेंद ले ली है क्या हमने, एक मिनट लेट मी चेक, मुझे लग रहा है अभी नहीं यार, अभी वही पुरानी है गेंद यार, वही घिसी पिटी गेंद इस्तेमाल करते हुए, कभी लेंगे यार नई गेंद हम। लीड फिलहाल 10 की ले चुके भाई इंग्लैंड ने। ओ विकेट है, क्या क्या हुआ, जमीन में लगी क्या, कैरी नहीं करी, हुआ क्या एग्जैक्टली, लेट मी चेक, मुझे लग रहा शायद जमीन में कुछ तो हुआ है, मुझे लगा शायद बहुत नीचे कैरी कर रही थी और कैच है वो, ओ जमीन में लग गई थी, ओके ओके ओके, ऐसा लगा मुझे एक टाइम ले जैसे कैच हो गया। चलिए कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा मोर लेंथ को पीछे खींचते हैं, लेट्स होप इस बार मार दें। अरे भाई कितनी बुरी किस्मत लिखा के आए आज हम, क्या हो रहा है ये, ये देखो दो बार लिटरली सेम काइंड ऑफ शॉट, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस में नहीं यहां पे डॉम सिबले 99 रन पर, सेंचुरी और हो गई भाई बंदे की, विकेट होना चाहिए था यार, कितना मजा आता, दिल को सुकून पड़ जाता 99 पे आउट होता है ये तो, क्या बोलूं यार गाइस अभी मैं। भाई हो जा यार आउट होने का क्या लगा लीजिए, इस बार स्ट्रेट ड्राइव मार दिया, अब तो 100 हो गई भाई, अब तो पूरा फुल कॉन्फिडेंस में मार रहा है डॉम सिबले यहाँ पे, और बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव यहाँ पे, बेहतरीन चौका। यही बोल सकता हूँ गाइस मैं, बेहतरीन चौका और क्या बोलूँ अभी मैं।
105 रन फिलहाल 158 गेंद में, और बढ़िया पारी खेली है इंग्लैंड के नजरिए से यहाँ पे, और जो रूट बेहतरीन साथ देते हुए यहाँ पे 40 रन खेल रहा है 88 गेंद में, दोनों ही सेट है। दो विकेट चाहिए भाई यहाँ पे लगातार बैक टू बैक, क्योंकि यार अब इंग्लैंड प्रेशर में नहीं है यहाँ पे, अब प्रेशर में भारत है। चलिए ड्रिंक्स ब्रेक, तो ड्रिंक्स ब्रेक्स होता हुआ चेतेश्वर पुजार आए फिलहाल पिलाने पानी, और कुछ तो कोच का मैसेज लेके आए। बट यार राइट चैनल्स पे तो हमने करी है यार गेंदबाजी। चलिए एक विकेट गिरता हुआ फिलहाल, और वो गिरा है जो रूट का, बट फिलहाल यार मुझे चाहिए डॉम सिबले का एक विकेट, उसको आउट करना बहुत ज़रूरी है। 129 मार दिए हैं भाई साहब 202 गेंदों में, भाई कितने शतक मारेगा इस सीरीज़ में, तीन शतक या शायद तीन या चार शतक लगा चुका है ये, तीन शतक शायद, अलग ही लेवल की फॉर्म में भाई ये डॉम सिबले। 210 यहाँ पे हो चुके हैं इंग्लैंड के रन, लीड आई थिंक जो अभी होगी 20 या 30 रन की, और हम यही चाहेंगे कि अब जो है जल्दी जल्दी विकेट गिराए। बस दो विकेट अगर हमने ले लिए ना गाइस यहाँ पे, अभी भी मैच पूरा कंट्रोल में आ जाएगा हमारे, तो यहाँ से फिर 70-80-100 रन नहीं बना पाएगी इंग्लैंड, इससे ज़्यादा नहीं बना पाएगी। और दो विकेट चाहिए बस, ओनली टू विकेट्स, लगातार वो पेनिट्रेशन दिखता हुआ भारत की गेंदबाजी में, दो विकेट की तलाश है यहाँ पे। अगर अर्ली यहाँ पे दो विकेट ले लेते हैं तो यहाँ पे जो है फिर जो है तगड़ी लीड नहीं ले पाएगी, और फिर ज़्यादा चेज़ नहीं करना पड़ेगा भारत को। और राइट यहाँ पे कोशिश भारत की यही है लगातार कि दो विकेट मिल जाए, और खास तौर से दो नहीं तो एक डॉम सिबले का ज़रूर से मिल जाए। 59 की लीड ले ली है इन लोगों ने, और अगर दो विकेट क्विक मिलते हैं ना तो 100 रन में समेट जाएगी इनकी टीम। बस दो विकेट चाहिए, कम ऑन गाइस, मिलेगा दो विकेट्स, ओनली टू विकेट्स। अरे भाई साहब फिर से इनसाइड एज, भाई क्यों बेइज्जती कर रहे हो यार, क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो यार, सीधा चौका मारो मुझे दर्द नहीं होगा, कवर ड्राइव मारो छक्का मारो चलेगा, इनसाइड एज लग के चौका मत लगाओ यार, कम ऑन, नहीं अच्छा लग रहा अभी बार बार मुझे वो इनसाइड एज पे चौका, दर्द होता है दुख होता है बार बार भाई, वो बिग स्टंप पे नहीं लग रही है गेंद, ये देखो क्या बताना चाहते हो कि आज लक हमारे साथ नहीं है। हाँ ये चलेगा मुझे, बेन स्टोक्स आई एम हैप्पी विद यू, सामने मारो मुझे कवर ड्राइव, छक्के मारो, छह छक्के दो मुझे रख के, बट यार वो इनसाइड एज पे चौका मत मारो प्लीज, वैसे विकेट नहीं मिला मुझे आज इस इनिंग में। चलिए बेहतरीन यहाँ पे कवर ड्राइव बेन स्टोक्स का, और अच्छा शॉट था, बेहतरीन शॉट यहाँ पर, और इस बार थोड़ा सा अंदर की तरफ आई पड़ने के बाद, सॉलिड डिफेंस यहाँ पे बेन स्टोक्स का, 23 में 14 पे खेल रहे, गेंद की हालत देखो भाई साहब एकदम कबाड़ हो चुकी है, और अंपायर जो है अभी भी इनको होश नहीं आया कि चेंज कर दी जाए, नई गेंद दे दी जाए भारत को। ईजी, तो अब थोड़ा सा गति से बीट करना पड़ेगा मुझे इनको, एक वो बाहरी किनारा बस मजा आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा वही चैनल पकड़ते हैं बाहर आउटसाइड ऑफ स्टंप, इजी बॉय मिलेगा, कम ऑन कम ऑन, थोड़ा सा क्लोज आ जाओ सभी लोग कैचिंग पोजीशंस के लिए, हल्का सा क्लोज आ जाओ सभी, ये उठाएगा ये बेन स्टोक्स, ये देखिए थोड़ा सा वो सफल करके बाहर तरफ ले गए, उनको चेस कराना चाहते हैं बाहर की गेंद को, तभी तो बाहरी किनारा लगेगा, सेटअप करना पड़ेगा यहाँ पे। आई थिंक सो डे टू खत्म हो गया राइट, यस डे टू खत्म यहाँ पे, और अब आ चुकी है डे थ्री का सेकेंड सेशन, डे थ्री का फर्स्ट सेशन भी खत्म हो गया यहाँ पे, तो डे थ्री चल रहा भाई, मुझे इस जिस चीज़ की आशंका थी कि ये डे फोर तक ना खेल जाए भाई, होता हुआ लग रहा है, लेकिन इस बार फिर से एज यार, किसकी एज ना तो कैरी कर रही है ना उठ रही है ना स्टंप पे लग रही है, क्या सीन हो रहा है। आई नो इंतजार का फल मीठा होता है, शायद बेहतरीन विकेट मिले अपने को, अरे भाई कब मिलेगी लेकिन, व्हाट वाज दैट, ये देखिए व्हाट वाज दैट, बेहतरीन आउटस्विंग डिलीवरी यहां पे, अब इससे ज्यादा क्या बीट कराऊं मैं इसको, और वो फिर से स्टंप के बगल से निकली है ना, बाहरी किनारा भी नहीं लगा ना, तो जाके स्टंप में लगी वो,
चले गया, और लैकेटर फिर से डालता हूँ मैं इसको थोड़ा स्लोअर। सारे फिर से पैड पे है, लेकिन बैट पहले है, कोई मतलब नहीं है वहां पे अपील करने का। अरे भैया क्या करा रहे हो तुम लोग यार, एक्स्ट्रा रन मत दिलवाओ, वैसे ही तो विकेट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। बेन स्टोक्स तुम ही दे दो यार, तुम तो अपने दोस्त हो यार। बेहतरीन, यहाँ पे बेहतरीन स्टॉप फील्डर का, आई थिंक ऋतुराज का रिकॉर्ड है। यहाँ पे चार रन बचाए हैं लिटरली, बेहतरीन शॉट था, तगड़ा शॉट। ओहो व्हाट अ ब्यूटी भाई, क्या शॉट है ये, बहुत प्यारा शॉट लिटरली। अरे 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 अरे, युवराज सिंह की याद दिला दी यार, इसी टाइप का कवर ड्राइव मारते थे युवराज सिंह। व्हाट अ शॉट, दिखाओ यार। यार नहीं यार, देखो भली ठीक है अपोनेंट है, लेकिन शॉट अच्छा है गाइस, ये देखो। अरे भाई साहब क्या शॉट है ये, थोड़ा स्लोमो में दिखाओ ताकि आप लोगों को पता चले। हल्का सा लेग कटर डाली थी मैंने, यहाँ पे उंगलियाँ फेरी थी, आप देखो और पढ़ने के बाद अंदर भी आई। अरे 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 बेन स्टोक्स भाई, क्या स्ट्रेच करके यहाँ पे, अरे देखो क्या ड्राइव मारा है, तो क्या ही फिनिश करा है पूरी ड्राइव को। बैट पोजीशन देखिए आप, हेड देखिए एकदम सीधा, बेहतरीन शॉट, मज़ा आ गया देख के। ऐसे शॉट अच्छा लगता है देख के लाइक, और जब लेग जो लेफ्ट हैंडर्स मारते हैं ना तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं शॉट्स। राइट हैंडर की भी लगते हैं बट लाइक लेफ्ट हैंडर थोड़ा सा वो हल्का सा ज़्यादा बोल सकते हैं, 19-20 का फ़र्क आ जाता है, क्यों अक्सर क्लासिकल शॉट लेफ्ट हैंडर उतना ज़्यादा मारते नहीं है, और जो मारते तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं वो शॉट, क्योंकि उतना ज़्यादा आदी नहीं होते हम लोग देखने के लिए। ये लीजिए यहाँ पे फिर से फ्लिक कर दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, और इस बार मिलेंगे शायद दो रन या तीन, कितने दे देंगे। आई भाई फेंक फेंक फेंक, अरे फेंक दे चचा, अरे 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 मार मार भाई, थोड़ा सा स्लो थ्रो फेंका है, अदरवाइज शायद जो है मिल सकता था वहाँ विकेट, बट ठीक है कोई बात नहीं, अब हो गया हो गया। यहाँ पे बेहतरीन शॉर्ट पिच बाउंसर, और यहाँ पे टक करा है बेन स्टोक्स ने, क्या मैं क्रॉस सीम डालूं एक फुलर लेंथ बॉल। ओहो इस बार फिर से लॉन्ग ऑन वाले गैप में भेजना चाहते थे बेन स्टोक्स, लेकिन फिल्टर गैप में यॉर्कर डालते हैं इसको एक, ठीक है 15 ओवर डाल चुके गाइस हम, बाय द वे 54 रन दिए, एक भी विकेट नहीं मिला है। ये बेहतरीन यॉर्कर 150 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, सॉलिड डिफेंस, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही यहाँ पे बैट्समैन को जो है खेलने के लिए, आराम से खेल रहे दोनों के दोनों। इस बार इन स्विंगिंग यॉर्कर, उसको फिर से फ्लिक कर दिया है, खराब गेंद एंड उसको पहुंचा दिया है फेंस के पार, 4 रन बेन स्टोक्स। एक्चुअली मैं डालना चाहता था इन स्विंग करा के, शायद बीट हो जाए, लेकिन वो बल्ला लगा दिया वहाँ पे, और बढ़िया शॉट भी, खराब गेंद था एक, उतना भी ज़्यादा खराब नहीं था, बट क्या कर सकते अभी, शॉट ज़्यादा अच्छा। इस बार फिर से वाइड यॉर्कर और वहाँ पे डॉट बॉल, फिलहाल बचने के लिए गए और कुछ नहीं रन्स बचाने तक। ये देखो भाई कितने बना दिए, 319 भाई, ये मुझे नहीं लग रहा है डिक्लेयर करने वाले हैं। कितने का लीड ले लिया इन्हें, बाय द वे 168 का लीड ले लिया गाइस, अभी भी 4 ही विकेट हुए हैं। अरे ये कौन सा, ये कहा था भाई, ये कहा था वे, ये तो हम ध्यान ही नहीं दिए। ए भाई साहब इतना ज़्यादा मूवमेंट, खतरनाक। बाय द वे नई गेंद मिल गई गाइस अपने को, अब विकेट लेने के चांस है हमारे पास। जॉनी बेयरस्टो आए हुए यहाँ पे नए बल्लेबाज, 27 रन पे खेल रहा हूँ, और बेन स्टोक्स 66 रन पर। तो डॉम सिबले का ही गया विकेट यहाँ पे, एक ही विकेट गिरा है। ये देखिए फिलहाल अब मूवमेंट मिलती हुई गाइस, स्विंग होती हुई यहाँ पे गेंद, नई गेंद के साथ स्विंग अवेलेबल है, नई गेंद के साथ आप विकेट्स निकाल सकते हो यहाँ पे पिच के ऊपर। इस बार ड्राइव मारा है सीधा फील्डर के हाथ में, बेहतरीन स्टॉप वहाँ पे। सॉरी एक इन स्विंगिंग यॉर्कर डालते हैं बेयरस्टो भाई को, टेस्ट करते हैं थोड़ा सा, और ये सीधा पैड में है लेकिन बैट पहले है, अदरवाइज ये बहुत ही बेहतरीन प्लम्ब होता है और विकेट होता है ये। अगर ये बैट
से बच जाती ना तो बहुत बेहतरीन विकेट होता ये वाला। पिचिंग इन लाइन, इंपैक्ट इन लाइन, विकेट सेटिंग, ये देखो बहुत बेहतरीन विकेट होता लिटरली। एक सेम काइंड ऑफ डिलीवरी हम डालेंगे यहाँ पे स्टोक्स को भी। ऑलराइट, ज़्यादा ही थोड़ा सा ऑफ स्टंप, ऑफ स्टंप रखती है, थोड़ा सा दिक्कत होता है वो लेग साइड ऑफ लेग, क्या बोलते हैं ये, लेफ्ट हैंडर और जो राइट हैंडर का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो लाइन बदलने में देखो तो ये दिक्कत होती है कि पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली अब इसके लिए क्या लाइन है। अब दो बॉल इसको देखने में लग जाएगी इस लाइन, इसके लिए लाइन। चलिए इस बार बेहतरीन फ्लिक करा है, सेम काइंड ऑफ शॉट लॉन्ग बॉल की तरफ कैप में, और एक और मिलेगा चौका यहाँ पे। फिलहाल थोड़ा ही चल रही है हमारी और कुछ नहीं, 70 रन पे पहुंच गया भाई। दबे क्या ये भी शतक लगा देगा, दो शतक हो जाएंगे फिर इनके। अरे यहाँ पे बैरिस्टो, बेहतरीन गेंद, थोड़ा सा जो है गति को पीछे खींचा था और क्या ही बेहतरीन स्विंग हुई है यहाँ पे, बाल बाल बचे वहां पे। जॉनी बैरिस्टो, क्या बारी, किनारा मिल सकता है इस गेंद पर। और इस बार वो खेल दिया पॉइंट की तरफ और मिल जाएगा चौका। ड्राइव करना चाहते थे, चौके से प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन अच्छी चीज़ ये कि वो ड्राइव खेला, हम चाहते हैं ड्राइव कराना क्योंकि ये स्विंग हो रही है अभी गेंद। चलिए अब विकेट शायद मिल जाएगा मुझे, शायद जो है वो इंतजार ख़त्म हो जाएगा मेरा। अरे भाई ये देखो भाई, क्या बेहतरीन स्विंग हो रही है यहाँ पर, जितना ज़्यादा हम जो है स्लो रखते हैं इस पिच पर और ज़्यादा एक्स्ट्रा स्विंग मिलती है अपने को। चलिए थोड़ा सा और नज़दीक से लाते हैं इनके बैट से, इजी मिलेगा, कम ऑन। अभी एक सेटअप करते हैं हम, लाइक दो इन स्विंग डालेंगे एक आउट स्विंग डालेंगे, ऐसा सेटअप करते हैं कुछ, तभी मुझे लग रहा है कि ये बल्ला लगाएंगे। अरे बच गए भाई, बाल बाल इस बार ऊपर वाली लेंथ, बाल बाल बचे है भाई साहब। जॉनी बैरिस्टो, क्या विकेट मिल सकता है, लास्ट गेंद है। अरे विक, क्या हुआ, एज यहां पे कैरी कर रहा था कि नहीं कर रहा है, हुआ क्या है, रिप्ले दिखाओ जरा मुझे। हुआ क्या एग्जैक्टली, बेहतरीन आउटस्विंग डिलीवरी यहां पे, बाहरी किनारा। ओ कैरी नहीं करी वहां पे चहल के पास, बेहतरीन डाइव लेकिन थोड़ा सा और कैरी कर जाती मजा आ जाता। लग रहा है मुझे अगले ओवर में विकेट आ रही है गाइस, कम ऑन लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, तैयार हो जाइए, इस ओवर में विकेट निकालते हैं अपन कैसे भी किसी भी तरीके से अब। अरे भाई नहीं, एक्स्ट्रा स्लिप चाहिए, कम ऑन फील्ड चेंज करनी पड़ेगी, तीन स्लिप के साथ जाना पड़ेगा यहाँ पे अब। बेहतरीन एज लगा था, भाग्यशाली रहे वहां पे, एक्स्ट्रा स्लिप होती तो काम तमाम हो जाता। आ जाओ भाई एक स्लिप आ जाओ एक्स्ट्रा, अभी रीसेट फील्ड, अटैकिंग पे चलते हैं अपन, पेस अटैकिंग अटैकिंग, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पेस अटैकिंग, थ्री टू बी वाली ले ले क्या, मुझे ये वाली ज्यादा बेटर लग रही है, लेग साइड में थोड़ा सा बचा के रखते हैं ना, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा वन सी में, दो तीन स्लिप चाहिए मुझे बेसिकली। रुको रुको, या थोड़ा सा वाइड रख ले हम, ये भी कर सकते हैं बाय द वे, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, एक वाइड भी कर सकते हैं हम। ऑल राइट, लेकिन 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 रुको रुको रुको, एक जो यहां पे फील्डर है ना, यस अब फंसेंगे यहां पे, अब जो है हमने ले ली भाई सब गली, एक्स्ट्रा स्लिप सब ले लिया मैंने। अरे यहां विकेट है क्या, क्या हुआ है, आई थिंक सो बाहर जा रही है, आई थिंक सो, या
चैलेंज तो नहीं लूंगा ऑब्वियसली, बाहर जा रही क्योंकि स्विंग करा रहा था ना एंगल के साथ वहाँ पे, बाहर ही जा रही है वो। चलिए अभी अपनी नेचुरल डिलीवरी डालते हैं। ओह इस बार लीव कर रहा है, जानते हैं अगर बल्ला लगाएंगे यहाँ पे तो सीधा बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। चलिए इंस्विंग डालते हैं, लगवाते हैं बल्ला आपका, डोंट वरी। इस ओवर में बोला था ना विकेट आएगी, बस आएगी, पता नहीं मुझे लग रहा है क्यों, चौके का नहीं पता था मुझे कि आएगा कि नहीं आएगा, ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था मैंने। चलिए फिलहाल चौका मार दिया बेन स्टोक्स ने, अटैक कर रहे हैं भाई दबे, चाहते हैं हम फील्ड नहीं हटाएंगे, लेकिन फील्ड हम हटाएंगे ही नहीं, अब यही रहेगी, जितना चौका मार रहा है छक्का मार रहा मारो तुम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फील्ड यही रहने वाली है अब। 90s ओवर हो चुके हैं भाई दबे गाइस, 340-189 का लीड ले लिया है इंग्लैंड ने, थोड़ा सा जो है हम घिस लेते हैं क्योंकि जो है दूसरा साइड जो है रफ हो गया, इसीलिए वो उतना ज़्यादा स्विंग नहीं है, लेकिन अभी भी एक पार्ट साइड नहीं है हमारे पास। ओह नहीं, ड्राइव कराया था ऑलमोस्ट, जाल में फंसा लिया था, लेकिन वही कि कनेक्ट कर लिया वहाँ से प्रॉपरली, फुल कमिट किया शॉट को और बेहतरीन ड्राइव, यहाँ पे चौका एक और मिलता हुआ। फील्ड तो मैं लेकिन चेंज नहीं करूँगा, इस ओवर में नहीं अगले ओवर में विकेट आएगी, आएगी ज़रूर, क्योंकि अगर वो फील्ड होती तो शायद पहले ही विकेट आ चुकी होती। यहाँ पे दो कैचेस छूटे हैं स्लिप में, मतलब छूटे गए कैचेस कैरी करें, लेकिन वहाँ फील्डर ही नहीं था। ऑल राइट 83 पहुंच चुका बाय द वे बेन स्टोक्स, 20 रन समथिंग चाहिए उसको यहाँ पे शतक पूरा करने के लिए, लेकिन यहाँ मुश्किल तो कर देंगे यहाँ पे शतक तुम्हारा, एकदम नाक में दम कर देंगे शतक लगाने के लिए, आसानी से इतने शतक नहीं लगाने देंगे। इजी बॉय, ये देखिए हल्का सा इन स्विंग, यहाँ पे सॉलिड डिफेंस करा, और यही चीज़ में कन्फ्यूजन में डालना है अपने को, इनको थोड़ा सा हम लगातार जो है घिसते रहते हैं बॉल को, ताकि जो है शाइनी बना रहे थोड़ा सा पार्ट, उसने की ज़रूरत है अपने को, बस एक बार ही किनारा एंड वी आर बैक इन द गेम। कम ऑन, मिलेगा वाइस, मिलेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट और मिलेगा अपने को विकेट, एक सॉलिड डिफेंस। या बेन स्टोक्स प्रयास कर रहे हैं कि विकेट ना दें यहाँ पे, और हमारा कोशिश यही है कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स मार के किसी भी तरीके से विकेट ले यार, एक विकेट एटलीस्ट। और इस बार तेज गति से डाली थी लेकिन उसको आराम से खेल दिया यहाँ पे लॉन्ग ऑफ की तरफ, कवर्स की तरफ, और सीधा फिल्टर गया अपना। लास्ट गेंद मैडन जाता हो बाय द वे अभी ओवर, चलिए फिलहाल मैडन ओवर, लेकिन मैडन ओवर से मुझे ज़्यादा खुशी नहीं है, मुझे खुशी होगी जब एक विकेट मिलेगी। अरे भाई 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ पे तो उड़ गया विकेट सब। ऑलराइट यहाँ पे आई थिंक सो विकेट्स उड़ा दिया हमारी टीम ने, लेट मी चेक किसने क्या कितना क्या सीन किया है, स्कोर कार्ड देख लेते गाइस एक बार, और लीड कितना है अब हमारे पास, मतलब कितना चेस करने वाले हम गाइस। लास्ट डे 3 लास्ट सेशन है, मतलब डे 4 तक हमारी बैटिंग जाएगी, बाकी देखा जाएगा डे 5 तक हम चेस कर पाते कि नहीं। तो यहाँ पे जो है हमको एक भी विकेट नहीं मिला है, 3.95 की इकोनॉमी रही है, बाकी विकेट नहीं मिला एक भी। अर्शदीप सिंह एक विकेट और जसप्रीत बुमराह 3 विकेट, इकोनॉमी सबकी बेटर है, और अश्विन 3 विकेट एंड यूजी चहल 3 विकेट यहाँ पे, 3, 3, 6, 3, 9 और 10। तो यहाँ पे 3-3 विकेट निकाले हैं बुमराह अश्विन चहल ने और एक विकेट अर्शदीप सिंह ने, ठीक है, बट बहुत लेट आउट करा, 109 ओवर खेल गई इंग्लैंड यहाँ पे। अब देखना ये है कितनी लीड मिली अपने को, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो थोड़ा सा हम बैटिंग करते हैं गाइस, टाइम में देख लेता हूँ एक बार कितना हो रहा है, 3:48 हो रहा है, लास्ट सेशन है आज का डे 3 का, ये वाला सेशन खेल लेते हैं, और एग्जैक्टली 250 रन ही मिला है, ओके है हमारे हिसाब से अगर हम अपना विकेट बचा के चलते हैं, ओके है, चेजेबल है टारगेट, डोंट वरी गाइस, यहाँ पे भारत जीत सकता है। 60-40 है गेम, मतलब 60% चांस जो है भारत के है, 40% चांस जो है इंग्लैंड के हैं। डे 4 की बैटिंग थोड़ा सा मुश्किल रहेगी ऑब्वियसली, ओ बहुत ज़्यादा गंदा ब्लो यहाँ पे, लेकिन जो है खेल सकते हैं हम गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ अगर 270 मैंने पहले बोला था, 70-80 जाता 20-30 रन तो वहाँ पे मुश्किल होता, लेकिन आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा संभल के सूझबूझ भरा, 2 सेशन बस और हम जीत जाएंगे गाइस यहाँ पे।
आज का सेशन तो मैं चाहूंगा यहाँ पे विकेट ना मिले, उसके बाद फिर जो है बाकी सेशन हम जो है नेक्स्ट एपिसोड में खेलेंगे। इजी बॉय, काफी ज्यादा बाहर, आउट ऑफ स्टंप। यहाँ पे पूरी कोशिश अभी अबोर्ड की, तीखी गेंदबाजी, यहाँ पे तीखी शॉर्ट बॉल लगातार वो अटैक करते हुए हमारे ऊपर। ये देखिए इस बार एकदम स्टंप के सामने सॉलिड डिफेंस। तो फिलहाल पहला ओवर मेडन जाता हुआ, यहाँ पे 5 बॉल खेल चुके हैं गाइस हम, एक भी खाता नहीं खुला अभी तक, ना भारत का ना हमारा। और इस बार शॉट निकाला है, गैप में है और आई थिंक सो मिल जाएगा चौका। चलिए चौके के साथ यहाँ पे खाता खोलेगा भारत का और हमारी इनिंग का भी बेहतरीन शॉट यहाँ पे कवर्स की दिशा में, फुल लेंथ बॉल, उसको बस दिशा दिखाइए मात्र और गति का इस्तेमाल करा बॉलर का। बाकी यहाँ पे बड़ी आउटफील्ड और 4 रन, नई गेंद है इसीलिए थोड़ा सा कनेक्शन भी अच्छा हुआ है। यहाँ पे देवदत्त पड़िकल नेक्स्ट ओवर में संभाल के, चलिए 4 गेंद खेली 1 रन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे 2 गेंद बाकी अभी इस ओवर में। ये देखिए, व्हाट अ बॉल, काफी ज्यादा बाहर, यहाँ पे चेस कराने का प्रयास कराया जा रहा है, आउटसाइड ऑफ स्टंप लगातार वो अटैक कराया जा रहा है ताकि जो है वो चेस करे बाहर की बॉल को और वो जो है बाहरी किनारा लगे या फिर चिप कर, मतलब किधर पे भी वो कैरी कर जाए। वही कोशिश है यहाँ पे इंग्लैंड के गेंदबाजों की, बीकार से पिछले इनिंग में लाइक बहुत परेशान किया था बीकार्स ने, बहुत ही तगड़ी गेंदबाजी करी थी बीकार्स ने। ये देखिए फिर से तीखी लगातार वो शॉर्ट बॉल अटैक, लाइक कुछ तो प्लान करके आई है आप इंग्लैंड, एक तगड़े प्लान के साथ उतरी है और वो दिख रहा है एफर्ट्स लगातार मारती हुई इंग्लैंड की टीम, क्योंकि जानती है यहाँ पे अर्ली 2 विकेट्स एंड गेम जो है वो वापस जो 60-40 बोल रहा हूँ मैं, 40-60 कर सकती है आप इंग्लैंड, और वो कई बार करा है वो कारनामा इंग्लैंड ने। बट हमारी कोशिश यही है गाइस, ये सेशन सर्वाइव करना है, दैट्स इट, कल जो होगा देखी जाएगी, बस ये सेशन सर्वाइव करना है। 11 गेंद 4 रन, थोड़ा सा बाहर की गेंद छोड़ते हुए लगातार यहाँ पे कप्तान, ज़रूरत है अभी बहुत ज़्यादा समझ सूझ भरी पारी की, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, एक गलती बहुत महंगी पड़ सकती है यहाँ पे भारत के लिए। और जो है अगर एक अच्छी पारी तो फिर यहाँ से जो है टेस्ट सीरीज़ को नाम करेगी भारत यहाँ पे, और एक लाइक फिर प्रेशर नहीं रहेगा लास्ट टेस्ट में, यहाँ पे खुल के खेल सकती है भारत क्योंकि ये टेस्ट सीरीज जीत चुकी होगी इस टेस्ट के साथ, अगर ये वाला टेस्ट में जीतती है तो। भाई साहब क्या ही बेहतरीन गेंदबाजी, लगातार शॉट पिच अटैक, और यहाँ पे एकदम प्लान के साथ उतरी है इंग्लैंड की टीम, लगातार उस चैनल में बॉलिंग कर रहे हैं आप इंग्लैंड के गेंदबाज। 2 स्लिप 3 स्लिप ले रखी थी पहले, बाय द वे 3 स्लिप एक गली, लेकिन यहाँ पे जो है 1 स्लिप को हटाया है, नहीं अभी भी है 3 स्लिप, 2 स्लिप एक गली मौजूद है यहाँ पे, उसको आप देखो थोड़ा सा क्लोज लगाया है, लगातार वो बदलाव करते हुए यहाँ पे जो रूट कप्तान इंग्लैंड टीम का। चलिए फिलहाल 4.5 ओवर हो गए, बस अभी अपने को टाइम पास करना है खाली, ओवर्स नहीं गिनना है फिलहाल, बस आज का जो सेशन है ना हमारा डे 3 एंड हो जाए, बस ये बस टाइम पास करके निकालना है। मैं पडिकल को ज़्यादा स्ट्राइक इसीलिए दे रहा हूँ ताकि पडिकल जो है थोड़ा सा मुझे तेज खेलते दिख रहा है, 12 गेंदों 10 रन और वहाँ विकेट खो सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा झेलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। लेट मी सी कितना टाइम हुआ, 4 बज गए गाइस, बस 1 घंटा और, कम ऑन हो जाएगा बिना विकेट खोए, 1 घंटा और, कम ऑन। चलिए इस बार एकदम स्टंप पर उसको फ्लिक कर दिया लेग साइड दिशा में, 1 रन और मिलेगा यहाँ पे। 2 रन की मांग करी है क्या, 2 मिल जाएंगे, जी हाँ, फुल फ्लैश ड्राइव लगाना पड़ेगा, नहीं पहुंच जाएंगे आराम से, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और यही करना होगा अभी काम, जरूरी नहीं है अभी आप ड्राइव्स के लिए जाएं, आप पुल लगाएं और बड़े शॉट्स खेले, अभी आप डिफेंस करें और आराम से जो स्ट्राइक को रोटेट करें, जितने रन बनते बनते हैं रन बनाना ज़रूरी नहीं है अभी, ये सेशन सर्वाइव करना ज़रूरी है क्योंकि नई गेंद है, कोई भी नया बल्लेबाज आएगा वहाँ पे आसान नहीं होगा, और हमारी कोशिश यही है कि हम नहीं चाहते हमारे 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर के बल्लेबाजों को ये नई गेंद खेलने को मिले,
हमारा एज अ ओपनर काम यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पीछे वाली टीम को पुरानी गेंद खेलने का मौका मिले उतना ज़्यादा बेटर उनके लिए, तो फिर वो भी खुल के रन बना पाएंगे। फिर चलिए इस बार कदमों पर गेंद फ्लिक कर दिया है उसको फाइन लेग की तरफ, काफी ज्यादा फाइन है, क्या फील्डर पकड़ पाएंगे? जी हाँ, 3 रन की मांग करी है और शायद मिल भी जाएंगे यहां पे 3 रन। बेहतरीन शॉट, 1 रन वहां पे बचाया है बाय द वे अपनी टीम के लिए डीप में। चलिए 3.29 रन रेट, नॉट बैड, और 7 ओवर हो चुके गाइस, तो एक अच्छी शुरुआत फिलहाल भारत की। 10 ओवर तो खैर आई थिंक सो वी कैन बिना विकेट के खेल जाए हम। सुन रहे हो पर्टिकल भाई, 10 ओवर तक मैं ज़्यादा स्ट्राइक दूंगा ही नहीं पर्टिकल को, क्यों जैसे मैं बोलता हूँ ना कि 10 ओवर 11 ओवर में विकेट जाती है ब्रेक ब्रेक के बाद। खैर अब तो सीधा आज डे 3 का एंड ही होगा, अब तो ब्रेक कुछ होने नहीं वाला, लास्ट सेशन ही चल रहा है। 10-12 ओवर और रह गए होंगे, पता नहीं कितने ओवर रह गए हैं यहाँ पे डालने के लिए आज के दिन के। ये देखिए लगातार वो स्टंप पर अटैक, स्टंप और शॉट पिच अटैक, 2 अटैक अपने को देखने के लिए मिल रहे हैं। और अभी टाइम कितना हुआ, 15 मिनट हुआ भाई, बार बार गाड़ी देख रहा हूँ मैं ताकि बस हमारा सेशन निकल जाएगा। 26 गेंद 9 रन गाइस। ओ ये देखिए इसकी बात कर रहा था मैं, लगातार वो शॉर्ट पिच और बाउंसर वाला अटैक, वाइड बॉल देंगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर बल्लेबाज की रीच से, इसलिए यहाँ पे वाइड बॉल बी कार्स की। यह देखिए एक और बाउंसर, क्या भी वाइड मिलेगी, यह देखिए दूसरी वाइड, वाइड की उन्हें टेंशन नहीं है, उन्हें टेंशन ये है कि भाई आप डरा के रखिए बैट्समैन को, दैट्स इट, उन्हें वाइड वाइड की कोई टेंशन नहीं है, एक्स्ट्रा रन दे भी दें कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, बस उनको ये जो है फ्लो नहीं बनने देना यहाँ पे बैट्समैन का, वो डरा के रखना चाहते हैं, वो धमका के रखना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि भाई आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं, हमारे होम ग्राउंड में खेल रहे हैं आप, वो दादागिरी दिखाने की कोशिश बी कार्स की, बेटा रुक जाओ तुम कल मिलियो मेरे से नेक्स्ट डे में, डे 3 है, विकेट ब्रेक होना चाहते हैं अभी खास तौर से अपना तो बिल्कुल नहीं, चलो तुम थोड़ा सा जो धमकियाँ दे रहे हो ना देखो बॉलिंग से, हम बताएंगे तुमको कल बताएंगे नेक्स्ट डे में, तो आज का डे सर्वाइव कर ले रहा तो मुझे ज़रा देख रहा हूँ। रॉबिन्सन भी यहाँ पे लगातार शॉर्ट बॉल, लेकिन गाइस यहाँ पे 9 ओवर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट लास्ट गेंद रही है इस ओवर की, एक और बाहर बॉल, इसको भी लीव करेंगे आराम से, 80-80 20-20 100-100 फुट दूर डाल लोगे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे खेलने। और यहाँ पे आवाज थिंक सो आ चुके क्रिस वोक्स, पहला ओवर लेके आते हुए अपने स्पेल का, 10वां ओवर डाल रहे फिलहाल। ओहो क्या ही लीव कर रहा है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा क्लोज लेकिन बढ़िया, यहाँ पे ब्लो भी लग सकता था बॉडी के ऊपर लेकिन उसकी परवाह नहीं है यार, अभी हम छाती पे बॉल खाएंगे लेकिन विकेट नहीं देंगे, इसी जज्बे के साथ उतरे हैं गाइस हम, हाथ पे बॉल खाएंगे, मुंह में बॉल खाएंगे, चेस्ट पे बॉल खाएंगे, हेलमेट पे बॉल खाएंगे, टांग पे बॉल खाएंगे लेकिन विकेट नहीं देंगे तुमको, पूरी बॉडी तोड़ना है तोड़ दो हमारी। इजी बॉय, यहाँ पे एक और सॉलिड डिफेंस क्रिस वोक्स, 5वीं गेंद लास्ट गेंद डाल रहा है फिलहाल इस ओवर की, और काफी ज्यादा गति में मिश्रण करा है लाइक इस ओवर में क्रिस वोक्स ने। चलिए एक और सॉलिड डिफेंस, यहाँ पे समाप्त होगा 10 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान 31 रन के बाद भारत, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में है ना। टाइम कितना हुआ, 4:30, आधा घंटा और गाइस। पड़िकल भाई आधा घंटा और निकालना। ओ भाई थैंक यू वेरी मच, यहाँ पे सर्वाइव कर लिया है आधा घंटा पड़िकल ने और हमने, और उसी के साथ डे 3 यहाँ पे एंड होता हुआ। तो होपफुली गाइस आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया हो, अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया तो उसको लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन के आइकन को ज़रूर से प्रेस करना, उसको ध्यान रखना, उसको भूलना नहीं, वरना फिर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है मैं वीडियो डालता हूँ। और
हमेशा मैं 3 बजे ही डालता हूँ क्रिकेट की वीडियोस, तो टाइम फिक्स है 3 बजे ही वीडियो आएगी। अगर कभी नोटिफिकेशन नहीं आता है तो 3 बजे आके आप चैनल डायरेक्टली चेकआउट करो, वीडियो में जाकर लेटेस्ट वीडियो में जाओ और उसमें लेटेस्ट वाले उस पे जाओ वीडियोज़ में, तो आपको सीधा मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में भी जा सकते हो तो उसमें भी मिल जाएगी आपको लेटेस्ट वीडियोज़ क्रिकेट की। तो मिलते हैं गाइज Day 4 की बैटिंग में, एंड होपफुली Day 4 या Day 5 में हमारी जो है टीम जीत जाए। यहाँ पे 251 चेज कर रहा है, 37 ऑलरेडी बना चुके हैं, बाकी के रन्स जो है हम Day 4 और Day 5 में बनाएंगे यहाँ पे। और अगर ये वाला मैच जीतती है भारत तो सीरीज को अपने नाम करेगी, एंड फिर जो है फाइनल जीत के लाइक 5वां भी जीत के 4-1 से जो है अगर जाएगी तो एक अच्छे पॉइंट्स लेके जाएगी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जो है फ़ायदा होगा हमारी टीम के लिए, मतलब इजीली क्वालिफाई कर पाएगी और फाइनल्स भी फिर खेलेगी। तो ठीक है, मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ख्याल रखिए अपना एंड गुड बाय।